तो दोस्तों, हाल ही में आए मॉर्बियस के कुछ नए लीक्स, अपडेट एंड रूमर्स आए हैं। पहला है कि ओमिक्रॉन की वजह से मॉर्बियस के इंडिया में रिलीज होने के चांसेस थोड़े बहुत कम हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट हमारा, जहां हमने मॉर्बियस के ट्रेलर में टोबी मैग्वायर को देखा था जहां मर्डरर लिखा होता है, एंड वही मार्वल हमारे साथ धोखा करने वाला है क्योंकि ट्रेलर में कुछ और एंड मूवीज में कुछ और होने वाला है। जी हाँ गाइस, मूवीज में हमें टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को दिखाया जाएगा जहां पर मर्डरर लिखा होता है। एंड मार्वल ये कर दे कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो हमेशा से हमारा चूतिया काटता हुआ आया है। एंड नेक्स्ट है मॉर्बियस को लेकर। गाइस, बहुत लोग परेशान थे कि मॉर्बियस किस यूनिवर्स का होने वाला है, तो गाइस फाइनली मॉर्बियस हमारे एमसीयू के यूनिवर्स का होने वाला है। एंड नेक्स्ट है वल्चर को लेकर। गाइस, ऐसे अपडेट है कि वल्चर, हमारे जो मॉर्बियस ट्रेलर में हमने वल्चर को देखा था, बहुत लोग इससे परेशान थे कि ये वल्चर का वेरियंट होने वाला है, तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे होम कमिंग वाला वल्चर होने वाला है, यानी हमारे एमसीयू के वल्चर होने वाला है। गाइस, ऐसे रूमर्स हैं कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल कास्ट करेंगे तो वल्चर भी भूल चुका होगा कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। एंड उसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, एंड तभी उसकी मुलाकात स्कॉर्पियन से होती है। एंड नेक्स्ट वो मॉर्बियस से मिलता है जो कि मॉर्बियस को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करता है, बट हमारा मॉर्बियस थोड़ा चालाक है, वो उसे मना कर देता है। एंड नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं जो कि रूमर्स बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, एंड वो है एंड्रयू गारफील्ड को लेकर। कि एंड्रयू गारफील्ड का इस मूवी में 5 से 10 मिनट का कैमियो होने वाला है। जी हाँ गाइस, जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल कास्ट करते हैं नो वे होम में, एंड तभी एंड्रयू गारफील्ड एंड टोबी मैग्वायर एमसीयू में आ जाते हैं। एंड तभी एंड्रयू गारफील्ड इधर उधर भटकते रहते हैं, एंड तभी उनकी मुलाकात मॉर्बियस से होती है। एंड वो मॉर्बियस से थोड़ी बहुत बात करते हैं। उसके बाद हम सब जानते हैं कि नेट अपना मैजिक करता है, एक पोर्टल खोलता है, एंड जहाँ पर एंड्रयू गारफील्ड अंदर आ जाते हैं। एंड वो मॉर्बियस से ही बात करते रहते हैं जो हमने पीछे देखा था। एंड गाइस, ऐसे सिर्फ रूमर्स हैं, अब मूवीज़ में देखने में पता चलेगा कि एक्चुअली मूवीज़ में होने वाला है। बट एंड्रयू गारफील्ड को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रेंड बना हुआ है, एंड ट्विटर पर दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का भी ट्रेंड चल रहा है। गाइस, आपका इस बारे में क्या ख्याल है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक ज़रूर करना।